हेलो वॉचर्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया मूवी, एक अच्छी मूवी, थोड़ी खौफनाक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ हाँ, निकल लेना पानी लेने, मतलब पनवेल। अच्छा जोक है ना, मैंने लिखा है। खैर दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही क्यूट दिखने वाली मासूम सी बच्ची की है, लेकिन ये लड़की मासूम नहीं है बल्कि साली बहुत ही डेंजर चीज है रे भाई, खुद ही देख लो। समझ गए ना? तो गाइस, नो मोर बकवास, लेट्स स्टार्ट। मगर अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो यार। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, होती है कहानी की शुरुआत डांस कर रही एक बच्ची के साथ। बोले तो वो लड़की बहुत ही अमीर है, रईस है क्या? तो अपनी बड़ी सी कार से पहुंची अभिगिल अपने महल के द्वार में। लेकिन 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 बाहर से उस पर नजर रखे थे किडनैपर्स, जो कि अभिगिल के आते ही घुस गए घर के अंदर और अभिगिल को चुप कराकर इंजेक्शन मारा, कर लिया किडनैप ताकि फिरौती का माल मिले बहुत सारा। पहुंच गए अभिगिल को लेकर मेंशन, जहां द मैन किडनैपर लैम्बर्ट ले रहा है सारा टेंशन, मतलब इसी ने किडनैपिंग करवाई है और यही मेन बॉस है। देखो यार, बात तो सिंपल है, लैम्बर्ट लेगा फिरौती और बांट देगा सब में बराबर बराबर, लेकिन एक कंडीशन भी है, जब तक पैसे ना मिले ये लोग यहीं पे रहकर बच्ची की सिक्योरिटी भी करेंगे। तो फोन भी लैम्बर्ट ने ले लिया ताकि कोई इन्हें ट्रैक न कर पाए। और तो और, इन लोगों को पता भी नहीं है कि अभिगल कौन है और किन की बेटी है। तो मिशन इज ऑन। अभिगल को रख के कमरे में आए सभी मेंशन के अंगने में, चूंकि सब एक दूसरे से अनजान है तो गेस करने लगे, जिससे पता चला कि ये एक अच्छा ड्राइवर है, ये है एक डिटेक्टिव फ्रैंक, ये है एक हैकर सैमी, ये है एक फौजी रिकल्स, हमारा पहलवान पीटर और द मेन कैरेक्टर जोई, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी। तो इन बातों से परेशान होकर गई जोई अभिगल के कमरे के अंदर, हटाई आंखों से पट्टी, खोला हाथों की कड़ी, किया थोड़ा रिलैक्स और बोल पड़ी, तुम्हारे उम्र का ही मेरा बेटा है, मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभिगल कहती है कि मेरे पापा आजकल मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं, वो थोड़े गुस्से वाले हैं और आज रात तुम सबके साथ जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए आई एम सॉरी। ये बात सुनकर पहुंची जोई फ्रैंक के पास, सारी बात बताई और बोली, अभिगल के पापा आदमी जरूर है खास। फ्रैंक बोला, बात तो सही है। गया वो अभिगल के पास, थोड़ा डराया और थोड़ा धमकाया और पता कर लिया बाप का नाम। और भाई साहब, बाप का नाम पता चलते ही सूंघ गया सांप, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है अभिगल का बाप। करता है वो एक एक्सपीरियंस शेयर, जहां पर उस गैंगस्टर के खिलाफ कर रहे थे कुछ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन, जमा किया था कुछ सबूत अभिगल के पापा के खिलाफ, इसलिए पूरी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उन ऑफिसर्स की बोटी और गोटी अलग कर दी गई थी, मतलब खतलेआम कर दिया गया था यार। तो थोड़ा डर तो सबको लगने ही लगा था, मगर इस बंदे की ठरक को मानना पड़ेगा। पहुंच गया सैमी के कमरे के अंदर और बोला, एगो पापी ये भौजी के साथी। तो सैमी बोली और वो चला गया नीचे, लेकिन भाई साहब कर दी उसकी किसी ने कुटाई, चिल्लाया वो तो आवाज दिया सैमी को सुनाई, तो वो नीचे दौड़ी चली आई और भाई किसी ने तो ड्राइवर के सर को फुटबॉल बना दिया था। तो भाई साहब ये सब कुछ देख के ना सबकी फट गई, बोले तो मेरी भी थोड़ी सी। जिसके बाद सब निकलने का करने लगते हैं ट्राई, लेकिन उससे पूरा घर लॉक्ड हो गया इनसाइड। जिसके बाद पीटर द पहलवान ने दोबारा किया ट्राई, मगर इट मींस दे आर लॉक्ड इनसाइड। आगे अभिगेल के पास जाकर जोई सच जाने की कोशिश करने लगती है, मगर बाहर फौजी भाई भी गए, उसका भी खतरनाक हो गया मामला, उसको भी किसी ने टपका डाला। तो शक के मारे सब एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, मगर तभी अभिगेल छुड़ा कर खुद ही अपने हाथों की हथकड़ी लेती है स्टैंस, जैसे दिखाने वाली हो एक खतरनाक डांस। लेकिन 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 माँ कसम, ई का देख लिया बे, ये तो एक वैम्पायर है। डर के मारे फ्रैंक ने मार दिया उसे एक गोली, मगर साली मरी नहीं बल्कि खड़े होकर बोली, अभी हम जिंदा है। जिसके बाद दरवाजा बंद और सब के सब जान जाते हैं कि यहाँ की किलिंग्स कोई और नहीं
बल्कि एबिगेल ही करती है। तो सब यार वही पुराने तरीके अपनाते हैं, और कोई गार्लिक ले लेता है और कोई क्रॉस ले लेता है, तो कोई डंडा। पहुंच गए एबिगेल को मारने, तो एबिगेल बोली, सुन बे लपड़ झंडस, 5G का टाइम में तुम हमको 4G का हथियार से मारेगा रे, तुम्हारी तो। जिसके बाद भाई साहब एबिगेल ने पटक पटक के सबको मारा, और बहुत ही मुश्किलों से लोग बाहर निकल कर उसे कमरे में कैद करके आते हैं। बाहर मिली जोई, बोली 4G का छोड़ दो कनेक्शन, देखो ये वही है इंजेक्शन, इसी ने पहले किया था एक्शन, पकड़ो उसे और मारो इंजेक्शन तो जरूर होगा रिएक्शन। तो सब बोले, आइडिया सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, तो रीस्टार्ट। लेकिन भाई लोग और उनकी बहन लोग इस खतरनाक मिशन में एक तरफ के लोग पिटे जा रहे हैं और इतनी मार पड़ रही कि क्या बोलूं। लेकिन अपना पीटर द पहलवान पीछे से दे देता है थप्पा, और जिसके बाद इंजेक्शन देकर कर दिया उसे बेहोश, मगर बेहोश होने से पहले दे दिया बिगल ने सैमी को दंड। ओ माय गॉड, अब तो सैमी की लाइफ भी हो गई है झंड। हाँ जिंदगी झंडबा, फिर भी घमंडबा बाबू। घमंड तो होगा ही, क्योंकि सैमी भी अब एबिगेल की तरह ही वैम्पायर बन जाएगी। आगे वो लोग पिंजरे में कैद कर देते हैं एबिगेल को, जहां एबिगेल बोलती है, अरे कैसे समझा है तुम लोगों को, तुम लोग हमको यहां थोड़ी ना लाया है, हम तुम लोगों को लाए हैं, काहे कि लंबटवा हमारे लिए काम करता है, और तुम लोगों को तो साला हम छोड़ेंगे नहीं बल्कि खाएंगे, काहे कि तुम लोग हमारे बाप का नुकसान किए हो ना, हैकर, तुमने हैक करके पैसे उड़ाए, डिटेक्टिव तुम तो केस चलाए, और जोई ड्रग के नशे में मेरे बाप के आदमी का गलत ऑपरेशन कर दिया। जिसके बाद जोई वहां से चली जाती है, और एबिगेल फ्रैंक से कहती है, कार चिकना हमको छोड़ेगा, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। का 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 बोली, अरे मजाक था भाई। जिसके बाद गेट वेट फोड़ फाड़ के मारने ही वाली थी फ्रैंक को कि जोई ने सूरज दिखा दिया और एबिगेल का हाथ गलकी गिर गया, मतलब सनलाइट में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन यार ये लोग अगर आखिर यहाँ से नहीं निकले तो रात तो होनी है ना, और तो सब लोग दो दो में बट के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर तभी सैमी को माता चढ़ गई, मतलब वो एबिगेल के कंट्रोल में आ गई ना, उसी ने तो काटा था ना, याद है ना। हाँ, तो इस भुक्कड़ ने पीटर को ही काट डाला, पहलवान को ही मार डाला। जोई और फ्रैंक ने देखा तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो सूरज का रिफ्लेक्शन दिखाकर सैमी के टुकड़े कर दिए, मतलब कि यार सूरज की रोशनी में तो वो जिंदा रह नहीं सकते। तो अब बचे केवल दो खिलाड़ी, जोई एंड फ्रैंक। तो रास्ता तो ढूंढने की कोशिश तो करेंगे ही ना, उसी में मिला उन्हें एक सीक्रेट डोर। अंदर बैठा लैम्बर्ट देखकर गुर्राया इनकी ओर, कहता है, डरने का ना बेड़ू लोग, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, मेरे को ना दोनों वैम्पायर बाप बेटी ने नौकर बना के रखा है, साला इनके लिए लोगों को पकड़ो, इधर लाओ, मरवाओ, लेकिन क्या मिलता है, कुछ नहीं। देखो मैं अकेले तो नहीं मार सकता, मगर साथ मिलके मारे तो, फ्रैंक बोला, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो लैम्बर्ट ने गाड़ दिए अपने दांत, बना दिया फ्रैंक को वैम्पायर, मगर फ्रैंक के मन में आ गया लालच तो कर दिया लैम्बर्ट को आउट विदाउट एम्पायर। अब वो भी वैम्पायर बन चुका था, तो एबिगेल के बाप को मार के वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एबिगेल आ जाती है, कारे हमारे पापा को मारेगा तो अरे भैंसिया का पूछ। मगर यार फ्रैंक निकला ताकतवर, उठा के पटक के उठाकर जोई को दांत गड़ा कर उसे वैम्पायर बनाकर एबिगेल को मारना चाहता है, मगर जोई भी उठकर खड़ी होती है और लकड़ी घुसाकर आर पार लगा देती है वाट और देती है फ्रैंक को मार। एबिगेल उठ के जोई का शुक्रिया अदा करती है, बोलती है कि तुमको काटने वाला मर चुका है, अब तुम एम्पायर नहीं बनोगे तो जाओ जियो, तुमने आखिर मेरी जान जो बचाई है। लेकिन तभी पीछे आया एबिगेल का गैंगस्टर बाप, और देखो तो कैसे जीव लप लप आई, क्योंकि वो वैम्पायर है यार, खून पीना तो उसकी आदत है। एबिगेल पापा से बोली, सुनिए आपकी बेटी को ये बचाई है तो आप इसको मार दीजिएगा क्या। तो पापा तो वैसे मार के उसका खून पीना ही चाहता था, मगर बोला, ठीक है बेटा, जा 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 यहाँ से निकल और जी ले अपनी जिंदगी। तो वहां से जोई बाहर निकलती है और मूवी हो जाती है खत्म। सुनो भाई लोग, इतनी जल्दी कहाँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।